मानस, तुम्हारे ये वेव वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी, और काफ़ी बिजी था तो मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है बाकी क्वेश्चन देखने का। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें कि कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, तो मैं ये पहले निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो, तुमने जो क्वेश्चन भेजा है उसमें सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये है कि एक प्रेशर वेव गिवन है, और प्रेशर वेव में जो ये वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? नॉर्मल प्रेशर को, पी नॉट, ठीक है, ये नॉर्मल प्रेशर है। और हम रेफरेंस के लिए डॉटेड लाइंस खींच लेते हैं जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर निकालेंगे। तो जो तुमने ग्राफ भेजा है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ प्रेशर है P नॉट प्लस डेल्टा P, और यहाँ प्रेशर है P नॉट माइनस डेल्टा P के बराबर, ठीक है। अब ये जो प्रेशर वेव की इक्वेशन है, इस प्रेशर वेव की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल्स टू B K A साइन K X माइनस ओमेगा T। ये इक्वेशन है इस प्रेशर वेव की, जिसमें बी के ए प्रेशर एम्पलीट्यूड है, दैट इज मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी मैक्स इनटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन आएगी, डिस्प्लेसमेंट वेव को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं एस इक्वल टू एस मैक्सिमम, तो वो इक्वेशन होगी एस मैक्सिमम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। और तुमको ये मालूम होगा कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव एंड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेव जो होती है, उन दोनों के फेज में डिफरेंस कितना होता है? पाई बाई टू का। तो अगर ये प्रेशर वेव है तो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेव ये है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि ये एस क्या होता है। ये एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजिशन, लेकिन प्रेशर वेव में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरह से होता है? मान लो कि वेव की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है राइट साइड में, पार्टिकल यहाँ पर है, तो पार्टिकल तो यहाँ पर टू एंड फ्रो मूव करते हैं। अगर ये मीन पोजीशन है, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है, तो अगर ये अपनी मीन पोजीशन से राइट साइड में डिस्प्लेस होगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट को लेंगे हम पॉजिटिव, और अगर अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस होगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर अगर इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन का ग्राफ में बनाओ तो वो क्या बनेगा? ये ले लिया मैंने एक्स, एक्स यानी कि सोर्स से पार्टिकल की डिस्टेंस है, या सोर्स से पार्टिकल की मीन पोजिशन कहां कहां पर होंगी वो एक्स है, और यहां पर हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की जो नेगेटिव है। अब इस एक्सिस के, इस रेफरेंस के ऊपर जो भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट हम बनाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं? वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब है कि वो मेन पोजिशन से राइट साइड में डिस्प्लेस्ड है, ये मतलब होता है। और यहां पर अगर कोई पार्टिकल प्लॉट है, यहां पर कोई पार्टिकल प्लॉट है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस्ड है। अब इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेव की क्वेश्चन देखो जरा, यहां पर प्रेशर कैसा है? नॉर्मल प्रेशर है, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट वेव में आता है वो कहां पर आता है? एक्सट्रीम पोजिशन पर आता है, तो ये स्टार्ट होगी ये यहां से, और जहां पर प्रेशर मैक्सिमम होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेव में, उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल कहां पर आता है? मीन पोजिशन पर, तो ये मीन पोजिशन पर है। यहाँ नॉर्मल प्रेशर है, तो नॉर्मल प्रेशर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पार्टिकल प्लॉट होगा डिस्प्लेसमेंट वेव में वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ प्रेशर में चेंज कैसा है? मैक्सिमम यानी मिनिमम प्रेशर है, तो मिनिमम प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वेव में, डिस्प्लेसमेंट वेव में मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर आते हैं? मीन पोजिशन पर, तो ये मीन पोजिशन, ये फिर एक्सट्रीम पोजिशन आई,
यहाँ पर मैक्सिमम चेंज है प्रेशर में, तो प्रेशर का जो चेंज है मैक्सिमम वो डिस्प्लेसमेंट वेव में प्लॉट होगा यहां पर। फिर यहां पर आ जाओ तो यहां पर प्रेशर में चेंज नॉर्मल है, ये एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, तो ये है एक्सट्रीम पोजीशन। इसके बाद यहां पर प्रेशर में चेंज मैक्सिमम है, तो ये फिर कहां पर पहुंचेगा, मेन पोजीशन पर, डिस्प्लेसमेंट वेव में मेन पोजीशन पर आएगा। अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वेव है उसको प्लॉट करता हूं, तो देखो किस तरह से प्लॉट होता है। ये आएगा यहां पर ऐसे, और फिर इसको ज्वाइन किया हमने, थोड़ी सिमेट्री गड़बड़ हो रही है, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। और फिर ये पहुंचेगा यहां पर ऐसे, फिर ये आया ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेव आ गई है। यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को लिख रहे हैं सिंपल पॉजिटिव, ये वाले डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है टुवर्ड्स राइट साइड, और नेगेटिव का मतलब है पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है लेफ्ट साइड, ठीक है। ग्राफ पूरा दिख रहा है, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा, चलो मैं जरा एड सेट कर लेता हूँ कैमरे को, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं छूट रहा, ठीक है। ठीक, ये सिचुएशन है। अब देखो तुमने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें पार्टिकल दिया हुआ है ए एंड बी, ए पार्टिकल है बी पार्टिकल है, तो पार्टिकल ए की जो पोजीशन है वो ये है, ये है ए, बी पार्टिकल यहां पर है, ये है बी, पार्टिकल सी यहां पर है, ये है सी, और डी जो है पार्टिकल वो यहां पर है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेव पर कहां पहुंचेंगे ये देख लेते हैं। तो देखो जो ए है उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेव पर कहां आ गया, ए के करस्पॉन्डिंग ये है, बी के करस्पॉन्डिंग ये है, मतलब ये ए है, ये बी है, सी के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल यहां पर है, ये सी है, और डी के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो है वो यहां पर है डी, ठीक है। अब देखो ये ए और बी दोनों पार्टिकल नेगेटिव साइड में प्लॉटेड है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस्ड है। सी और डी ये दोनों पार्टिकल पॉजिटिव रीजन में प्लॉट हुए हैं ग्राफ पर, इसका मतलब यह कि दोनों पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से राइट साइड में डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो ए और बी, ए और बी दोनों मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड में है, तो अगर मैं ऑप्शन जो मैच द कॉलम है उसमें लेता हूं ए, अब ए की स्पीड के बारे में देखें कि ये बाकी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसको मैं ऐसे चेक करते हैं। मान लो ये वाली जो वेव है इसको मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर बाद ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, अगर ये थोड़ी देर बाद वेव आगे शिफ्ट होती है इसका मतलब ये पॉइंट यहां पहुंच, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच चुका होगा, मैं थोड़ा थोड़ा आगे खिसका रहा हूं इसको, तो अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूं तो थोड़ा खिसकाते हैं आगे, यहां से ये पहुंचा ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ थी, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगी आगे और ये यहां पर आगे पहुंच जाएगा, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखो जो ए है जो वेव थोड़ा आगे बढ़ जाती है तो ए कहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच जाएगा ए, समझ में आ रहा है, ए कहां पहुंच रहा है ऊपर, यानी कि ए शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स इट्स मेन पोजिशन। तो ए अगर मेन पोजिशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ए शिफ्ट हो रहा है यहां, ये है मेन पोजीशन, ए अगर मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो ए की वेलोसिटी बढ़ रही है। बी पार्टिकल कहां पर था, बी था यहां, और ये पहुंचेगा और नीचे, ये अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन जा रहा है, ग्राफ में सिमेट्री थोड़ी सी गड़बड़ हुई है तो हम थोड़ा और बनाना, तो बी जा रहा है अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो ए में कॉलम वन में जो ए है एलिमेंट ए, स्पीड इज इंक्रीजिंग,
तो ए का हो जाएगा पी, और ये कहां पर प्लॉटेड है, लेफ्ट साइड में, यानी आर। इसके बाद आ जाओ बी पर, तो पार्टिकल बी जो है स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग यानी कि बी का हो जाएगा क्यू, और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन। अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन स्पीड डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइड में प्लॉटेड है, यानी कि मेन पोजिशन के लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस्ड है, तो इसको लिखेंगे हम आर। इसके बाद जाते हैं सी पर, ऑप्शन सी में, सॉरी एलिमेंट सी की बात हम कर रहे हैं, एलिमेंट सी, एलिमेंट सी यहां पर है, इसमें कहां पर आएगा ये, थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच रहा है इधर, यानी कि ये मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, सी की स्पीड बढ़ रही है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन होता है, पी, तो सी का करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा पी। और ये कहां पर प्लॉटेड है, पॉजिटिव टेरिटरी में, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन के राइट साइड पे है, तो मेन पोजीशन के राइट साइड वाले को क्या लिखना है हमको, एस, तो पी एस। इसके बाद डी, डी पार्टिकल यहां पर था इनिशियली, डी यहां पर था, और जब वेव को हमने आगे बढ़ाया तो ये पहुंच रहा है ऊपर, यानी कि ये जा रहा है, ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन से दूर जा रहा है, तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग तो क्यू को हम क्या लिखें, डी को हम क्या लिखेंगे, क्यू, स्पीड डिक्रीज हो रही है, और ये कहां पर प्लॉटेड है, राइट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि एस। ठीक है, वैसे इसका एक और मेथड भी हो सकता है, जिसमें कि मैं पूरी इक्वेशन निकालता और फिर इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके टाइम के साथ वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है, और उससे भी मैं निकाल सकता था, लेकिन अभी समझने के लिए ये सफिशियंट है, और मुझे बताना कि ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है।